केशव प्रसाद मौर्य आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। किसने सोचा था कि गली गली अखबार बेचने वाला लड़का आने वाले वक्त में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनेगा। आज की कहानी केशव प्रसाद मौर्य की है। तथ्य, अखबार कुछ पुराने दस्तावेज और मौर्य को करीब से जाने वाले लोगों से लिए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1969 उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से। कौशाम्बी तब इलाहाबाद हुआ करता था। सिराथू के एक साधारण से परिवार में श्यामलाल और धनपति देवी के घर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है केशव। केशव तीन भाई और तीन बहनों में तीसरे नंबर के थे। माता पिता खेती किसानी करते थे, परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था। केशव प्रसाद मौर्य धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। घर के पैसों की किल्लत और संघर्ष को देख रहे थे केशव प्रसाद मौर्य करीब से। यही वजह थी कि पढ़ाई के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य ने घर घर अखबार देना शुरू कर दिया। इसके कुछ दिन बाद ही केशव ने एक चाय की दुकान भी खोल ली। सुबह अखबार बेचते और शाम को चाय की दुकान में बैठते थे। घर में कुछ पैसे तो आने लगे थे, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। संघर्षों के बाद भी केशव अपनी पढ़ाई करते रहे। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न की डिग्री भी हासिल की। लेकिन अब केशव की जिंदगी नया मोड़ लेने वाली थी। केशव के चाय की दुकान पर विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आते थे। बचपन से ही केशव बोलने में माहिर थे। एक दिन केशव की मुलाकात विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल से हुई। केशव की जिंदगी का यह टर्निंग प्वाइंट था। मुलाकातों का दौर जारी रहा। कहते हैं उस दौरान केशव जहाँ भी जाते थे लोगों को अपनी बातों से मोह लेते थे। जो कुछ भी बोलते थे लोग ध्यान से सुनते थे। इस तरह से केशव की लोकप्रियता बढ़ती गई। केशव प्रसाद की लोकप्रियता का ही असर था कि भाजपा से जुड़ने के कुछ महीने बाद ही पार्टी ने केशव को विधायकी का उम्मीदवार बना दिया। साल था 2002। केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने इलाहाबाद शहर पश्चिम से बाहुबली अतीक अहमद के सामने मैदान में उतार दिया। जी वो दौर था जब अतीक अहमद का ऐसा खौफ हुआ करता था कि अतीक के सामने चुनाव लड़ने से भी लोग डरते थे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। चुनाव हुआ लेकिन बाहुबली अतीक अहमद के सामने केशव नहीं टिक सके। करारी हार मिली। 5 साल बाद 2007 में भाजपा ने अतीक के भाई खालिद अजीम के खिलाफ केशव को मैदान में उतारा इलाहाबाद पश्चिम सीट से। लेकिन फिर केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा लगने लगा था कि केशव प्रसाद का राजनीतिक करियर ठंडा पड़ गया है। भले ही राजनीति में केशव को सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसका फायदा उन्हें मिल रहा था। 2 चुनाव लगातार केशव हार चुके थे, लेकिन भाजपा के अंदर और जनता के बीच अपनी जमीन मजबूत कर रहे थे। 2012 में पार्टी ने सिराथू विधानसभा से टिकट देकर केशव को मैदान में उतारा और पहली बार कमल का फूल खिला। इलाहाबाद से बढ़कर अब पूरे प्रदेश में केशव प्रसाद की चर्चा होने लगी। 2017 में भाजपा की जीत हुई तो मुख्यमंत्री का दावेदार भी माना जाने लगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा। बहुत कम ही ऐसे नेता होते हैं जिन्हें इतनी तेजी से तरक्की मिलती है। 2012 में पहली बार केशव विधायक बने थे। उसके बाद सिर्फ 5 साल में ही सीएम की कुर्सी तक का सफर तय कर लिया। हालांकि अंतिम वक्त में दूसरे नंबर के सीएम बने, मतलब उप मुख्यमंत्री। इतनी तेजी से केशव प्रसाद की तरक्की के पीछे की वजह क्या थी? क्या केशव प्रसाद मौर्य की वजह से ही भाजपा को 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत मिली, या फिर वजह कुछ और है?